मॉर्निंग क्लास 8 CBSE। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जाएंगे एक नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज, सॉरी दैट इज एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, 9.3 में हम देखेंगे कैसे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीनोमियल्स को कैसे ऐड करेंगे, सब्स्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाइंग द मोनोमियल। जैसे क्या लिखा हुआ है कि मोनोमियल से किसी बायोनोमियल को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 5x+2। तो क्या करोगे, पहले इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, 3x × 5x + 2 × 3x, भाई 5 × 3 हो जाएगा 15, पावर दोनों की ऐड हो जाएगी x² + 2 × 3 हो जाएगा 6 और x, ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट, आपको आंसर आसानी से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया, इज दैट क्लियर, गॉट इट? तो इस तरह से आप मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मोनोमियल को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बायोनोमियल से, a² ((2ab - 5c), a² ((2ab - 5c). ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन सा एक्सप्रेशन है, बायोनोमियल युवराज, और ये क्या है, मोनोमियल। हाँ जी, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो a² ((2ab) - 5c) (a²), तो हो जाएगा a² ((2ab) हो जाएगा 2a³b हो जाएगा, माइनस 5c² करोगे तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, हो जाएगा 5a²c। दैट्स इट, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको एक मोनोमियल दिया है, उसको बायोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिएगा दे दिया गया क्वेश्चन में कि आपको मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ। मोनोमियल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए उनको देख लेते हैं और समझते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 3p × 4p² + 5p + 7 मल्टीप्लाई करना है। तो भाई पहले इस नंबर को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, 4 × 3 4p × p² × 3p, फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, 3 × 5 3p × 5p + 3p × 7 3p × 7 मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जो हो जाएगा 12p³ + 3 × 5 हो जाएगा 15p² + 3 × 7 हो जाएगा 21p। आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, याद रखिएगा जब कभी भी कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के बाहर है तो उसका सिंबल भी अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब भी कोई टर्म माइनस के पावर माइनस सिंबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, जैसे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस में हो जाता है, और लेकिन प्लस को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हो उसमें कोई फैक्टर में चेंज होता नहीं दिखता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। समझ आया आपको, कोई दिक्कत आई? चलिए आगे देखते हैं फटाफट और अच्छे समझते हैं। जैसे आगे दिया हुआ है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लिखा हुआ है x ((-1)+2) for x = 1। सिंप्लीफाई करना है, क्या किया हुआ है, x ((-3)+2) for x = 1। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या है यार, मोनोमियल बायोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, x × x हो जाएगा, -3 × x हो जाएगा +2। ठीक है, तो x² - 3x + 2। अब क्या करना है, फॉर x = 1, तो मतलब वैल्यू ऑफ
एक्स हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो वैल्यू 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, सॉरी प्लस नहीं माइनस रहेगा, माइनस का है सिंबल, और प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 3 प्लस 2, तो 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, 0, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत आई इसमें नहीं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 3y ब्रैकेट में 2y माइनस 7, 3y ब्रैकेट में 2y माइनस 7, और लिखा है माइनस 3 ब्रैकेट में y माइनस 4, और माइनस 63 फॉर y इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब y की वैल्यू में क्या रखनी है, माइनस 2 रखनी है। सॉल्व करिए, 3 यहाँ करते हैं थोड़ा, 3y इंटू 2y माइनस 7 इंटू 3y और माइनस 3 इंटू y माइनस 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 63। क्लियर करिए, तो करिए 3 2 जा 6, 6y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 3 3 इंटू वाई 3y हो गया, और माइनस माइनस प्लस हुआ था, 4 3 जा 12 हो गया, माइनस 63। ठीक है, अब ये तो हमें इक्वेशन मिल गया, वाई इक्वल टू माइनस 2, मतलब माइनस 2 वैल्यू रखनी है, तो 6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 21 इंटू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में रखिएगा माइनस 2, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 63। माइनस का जब पावर क्या रहे, इवन रहे, तब क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो चेंज होने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो कोई चेंज होने वाला है ही नहीं। ठीक है, जब पावर क्या रहे आपका, पावर आपका इवन रहे, तब क्या होगा, माइनस का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। इज दैट क्लियर, देखिए जरा, 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस इधर देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 21 इंटू 2 42, क्लियर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6, ठीक है, और प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 63, जोड़िए जरा, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 टू 20, 20 40 60, 60 टू 80 84, 84 माइनस 63 कितना आंसर आएगा, 21। समझ आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए ये तो हो गया, जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वैल्यू पुट अप कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, आपको आंसर मिल जा रहा है। अब दूसरे तरीके क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपको क्या करना है, वहां पे आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, आइए उसे भी देख लेते हैं फटाफट। ऐड करना है आपको, सब्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे आइए उनको भी देख लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक वीडियो मैंने देखने कहा था, आप लोगों ने होपफुली देखा होगा, नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ऐड, लिखा हुआ है 5m ब्रैकेट में 3 माइनस m, ठीक है, ऐड एंड 6m स्क्वायर माइनस 13m, हाँ जी, तो पहले इसको हम क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तब तो ऐड होगा। सिंप्लीफाई करिए, 5m इंटू 3 माइनस 5m इंटू m, तो हो जाएगा 5m हो जाएगा 5 3 से 15m हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5m स्क्वायर। इज दैट क्लियर, अब इधर देखिए दूसरा क्या है, एंड 6m स्क्वायर माइनस 13m, क्लियर, अब सॉल्व करिए जरा, देखिए क्या हो जाएगा, तो 6 दोनों को ऐड करना है, m स्क्वायर माइनस 13m अपॉन 5m स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 15m, ठीक है,
ऐड करिए तो ये जो है प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, और सिंबल जिसका ग्रेटर होगा वही साइन लगेगा, ग्रेटर 15 है तो प्लस का साइन लग गया, 13, 15 में से 13 माइनस करो क्या आएगा, 2 बचेगा, 2m बच गया ना। अब इधर देखिए 65 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और m² हो जाएगा 611m², ठीक है, आंसर आ गया आपको। yes. मिल गया आंसर, कोई दिक्कत आई आपको? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं और फिर एक सब्ट्रैक्शन का देख लेंगे, फिर आप एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करना। चलिए ये देखते हैं फटाफट, समय आ रहा है बोल रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, बाकी के लोग अपना साइंस रीड करते रहिए, आपको भी बता रहे हैं फटाफट। देखिए क्या है यहाँ पर, 4y ब्रैकेट में 3y² जरा बोलिए, एक्सप्रेशन बोलिए, 4y ब्रैकेट में 3y² प्लस 5y -7 एंड 2y सर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 2y, नो सर 2 सिर्फ 2 ब्रैकेट में, अच्छा तो बोलिए ना 2 के बाद ब्रैकेट y³ -4y² +5 ठीक है। तो इस बार दोनों को हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, करिए तो 4y इंटू क्या करेंगे 3y² प्लस 4y इंटू 5y प्लस -7 इंटू 4y, क्लियर? ये इधर आप इसको सिंपलीफाई करिए, करिए हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 3 12y³ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 4 20y² हो जाएगा, -7 4 हो जाएगा कितना 28y, क्लियर? अब इधर करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 into y³ -2 into 4y² और +5 into 2, क्लियर? 2 into y³ करोगे 2y³ हो जाएगा, माइनस 2 into वो करोगे 4 करोगे 8 हो जाएगा, -4y³ है सर, कितना होगा -4y² है सर, तो माइनस साइन लगाए तो है 8y² प्लस हो जाएगा 10। अब दोनों को ऐड करना है, जरा लिखिए 12y³ प्लस 20y² -28y, अब इसको लिखिए यहाँ पे 2y³ इसके नीचे हो जाएगा 2y³ और ये 8y² प्लस माइनस का 8y² हो जाएगा यहाँ पे और ये प्लस 10 जाके अलग लिख जाएगा, क्लियर? करिए ऐड तो हो जाएगा 10 अलग से आ ही जाएगा, इधर -28y और इधर हो जाएगा, ऐड करिए इसको कितना होगा 12y² बचेगा, b20 में से 8 माइनस करो कितना आएगा 12y² आएगा ना, फिर इधर कितना हो गया 14y³, ठीक है, आपको वैल्यू मिल गई, आप कुछ पुटअप तो करना नहीं था, डायरेक्टली आपको आंसर यही लिख देना है, दैट्स इट। ओके समझ आया क्या इसमें? तो ये 14y³ दिमाग खराब है आपका, देखिए 12y³ प्लस 2y³ क्या होगा 14y³, जी 14y³ आइए अगला देखते हैं फटाफट। लास्ट वन देखते हैं, लास्ट जो है आपका क्या हो गया, क्वेश्चन है 3PQ ब्रैकेट में p माइनस q और क्या है दूसरा, from 2PQ ब्रैकेट में p प्लस q, दोनों सिंप्लीफाई करो 3 into 3PQ into P
माइनस 3PQ इंटू क्यू और 2PQ इंटू पी प्लस 2PQ इंटू क्यू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, 3P स्क्वायर क्यू हो जाएगा माइनस 3PQ स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P स्क्वायर क्यू हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कितना 2PQ स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब सब्सट्रैक्ट करना करिए तो हो जाएगा 2P स्क्वायर क्यू प्लस 2PQ स्क्वायर। अब यहाँ पे 3P स्क्वायर क्यू माइनस 3PQ स्क्वायर, यहाँ पे साइन प्लस का था ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का था हो जाएगा प्लस, करिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5PQ स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस का 1 या फिर हम कहेंगे पी स्क्वायर क्यू, क्योंकि जो 1 है वो क्या है हिडन है, क्लियर। आंसर आ गया। अब भाई माइनस को आप साइन आप सामने नहीं रखना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, 5PQ स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आपको आ गई, इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, बाकी जो लोग वीडियोस में देख रहे हैं वो लोग को डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे आप 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। ओके, गुड बाय।